हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं आस्क हेल्थ गुरु। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि बार्थोलिन सिस्ट में सिड्स पाथ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जी हां, ज़्यादातर लोग बार्थोलिन सिस्ट जिन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है वो सिड्स पाथ लेते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका ही अगर नहीं पता सिड्स पाथ लेने का, उसमें क्या डालना है ये नहीं पता, कितनी देर लेना है ये नहीं पता, तो उसका फ़ायदा कैसे होगा। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि आपको इसमें क्या डालना है, कैसे लेना है, कितने समय तक लेना है, जिससे आपको इसके मैक्सिमम फ़ायदे हो सकें। सिड्स पाथ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये आपका दर्द कम करेगी, अगर वहाँ पर आपको पेन है तो, माना पेन नहीं है तो स्वेलिंग को कम करेगी। और नंबर थ्री और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा कि ये जो सिस्ट है, बार्थोलिन सिस्ट है, उसको रप्चर करने में भी मदद करती है। तो है ना बहुत फ़ायदेमंद, डेफिनेटली ये लेना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को ध्यान से देखें, फटाफट से वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लेना है टब जो कि कंफर्टेबल हो, जिसमें आप बैठ सकें, अपने वजन के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से एक टब चूज करें। उसमें 3 से 4 आपको सेंटीमीटर के करीब पानी भर लेना है, बल्कि इतना पानी भरे जिससे आपका वो एरिया जिसमें बार्थोलिन सिस्ट है वो पानी में डूब सके। पानी आपका होना चाहिए वार्म, न बहुत गर्म होना चाहिए न बहुत ठंडा, वार्म वाटर। अब इसमें क्या डालना है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई लोग बीटाडीन यूज़ करते हैं, डिटॉल यूज़ करते हैं, कई लोग सिंपल प्लेन वाटर से लेते हैं, बट सबसे इफ़ेक्टिव क्या है, मेरी प्रैक्टिस के दौरान मैंने यही जाना है कि सबसे इफ़ेक्टिव है फिटकरी, यानी कि एलम। फिटकरी क्यों सबसे इफ़ेक्टिव है, क्योंकि एंटीसेप्टिक है, आपका स्वेलिंग कम करती है, नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। लगभग 1 चम्मच एलम पाउडर, फिटकरी का पाउडर, ये आपको उस टब में डालना है और अच्छे से उसे घुल जाने दे। अब इसमें आपको बैठना है, कितना टाइम बैठना है, लगभग 15 मिनट। यस, इतनी हमारी बिजी लाइफस्टाइल है तो हम आधा आधा घंटा नहीं बैठ सकते, 10 से 15 मिनट तक के लिए बहुत है, उतना आपका सिड्स बाथ इनफ है। अगर आपको उस एरिया में स्वेलिंग है, सिस्ट आपका बड़ा है, तो आप ले करीब करीब दिन में 2 बार। अगर आपको पेन भी हो रहा है, लग रहा है सिस्ट इन्फेक्टेड हो गया है, एब्सेस हो गया है, तो आप दिन में 3 बार लें। अगर आपका सिस्ट रप्चर हो गया है, स्वेलिंग सबसाइड हो गई है, तो ऐसा नहीं कि आप सिड्स बाथ लेना बंद कर दें, बिल्कुल भी नहीं, दिन में 1 बार सिड्स बाथ ज़रूर लें। लगातार आप 2 महीने तक भी सिड्स बाथ ले सकते हैं, ये आपकी डक्ट की हीलिंग में मदद करेगा और इससे सिस्ट दोबारा नहीं होगा। तो ये सवाल मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हम मैम बार बार ले रहे हैं फिटकरी डाल के, या हम इतनी सिड्स बाथ ले रहे हैं तो हमारा वजाइनल एरिया पे असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, अगर आप फिटकरी यूज़ करते हैं तो ये नेचुरल एक तरह से वजाइनल वॉश का काम करेगा और आपका वजाइनल एरिया को भी ये ख़राब नहीं करेगा। तो आज हमने सारी बात की सिड्स बाथ के बारे में। सिड्स बाथ के साथ अगर आप आयुर्वेदा मेडिसिन लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अब ये दोबारा रीअपियर नहीं होगा, क्योंकि ये जड़ से ठीक हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप ये सब कुछ फॉलो करें। बार्थोलिन सिस्ट पे मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, उन्हें भी देखें, लोगों को, पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर के थ्रू कर सकते हैं। तो बार्थोलिन सिस्ट के लिए आयुर्वेद को अपनाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।